भारत के कई सैन्य इतिहासकारों की राय है कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान समय से पहले शहीद न हुए होते तो वह भारत के पहले मुस्लिम थल सेना अध्यक्ष होते। जब उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी तो उनके 36वें जन्मदिन में 12 दिन बाकी थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने वह सब हासिल कर लिया जिसको बहुत से लोग उनके दोहरा जीकर भी नहीं कर पाते। वो अकेले भारतीय सैनिक थे जिनके सर पर पाकिस्तान में 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1948 में नौशेरा की लड़ाई के बाद उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को मऊ जिले के बीबीपुर में हुआ था। उनके पिताजी काजी मोहम्मद फारूक बनारस शहर के कोतवाल थे और उन्हें अंग्रेज सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था। उस्मान ने सेना में जाने का फैसला किया रॉयल मिलिट्री एकेडमी, जो एक ब्रिटिश मिलिट्री ट्रेनिंग केंद्र था। मोहम्मद उस्मान साल 1932 में मात्र 20 साल की छोटी सी उम्र में मिलिट्री एकेडमी में चयनित हुए। वह दौर था जब इसमें ट्रेनिंग देने के लिए पूरे भारत में महज 10 लड़कों का ही चयन किया गया था। भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग संस्थान न होने के चलते तब भारत में चयनित हुए युवाओं को इंग्लैंड में स्थित इस ट्रेनिंग संस्थान में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। अपने पिता के विपरीत मोहम्मद उस्मान रॉयल मिलिट्री ट्रेनिंग में चयनित होने के बाद ब्रिटिश आर्मी का एक अफसर बनने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड में करीब 3 साल में ट्रेनिंग के बाद उन्हें बलूच रेजिमेंट का सैन्य अफसर नियुक्त कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते रॉयल मिलिट्री ने उन्हें अफगानिस्तान व बर्मा में भेज दिया। मोहम्मद उस्मान का यह सफर वो समय था जब वो एक बड़ी लड़ाई के लिए भी तैयार हो रहे थे। वो थी पाकिस्तान फौज से लड़ाई। दोनों देशों की सीमाएं अलग अलग होने से पहले मोहम्मद उस्मान 1945 से 1946 के बीच 10 बलूच रेजिमेंट के मेजर भी रहे थे। मोहम्मद उस्मान के जीवन में यह वो दौर था जब इस बात की कभी भी घोषणा हो सकती थी कि अब भारत के दो हिस्से होंगे और एक होगा पाकिस्तान। आखिर वो समय 1947 में आ ही गया जब भारत के दो हिस्से हो गए। अब हिंदुस्तान में मौजूद हर चीज का दो भागों में बंटवारा हो रहा था। भारत से अलग हुए पाकिस्तान नाम के इस हिस्से के अंदर अब बलूचिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। अब बलूच रेजिमेंट भी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। हिंदुस्तान के दो भागों में बंटने के बाद मोहम्मद उस्मान भी परेशान हो गए। ये परेशानी दोनों देशों के बंटवारे की नहीं बल्कि उनका मुसलमान होना था। यह वह समय था जब सेना में मुसलमान सैनिकों की संख्या ना के बराबर थी। वही पाकिस्तान के शासक बनने जा रहे जिन्ना बलूच रेजिमेंट के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान की ही सेना में रखना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के कई प्रयासों के बाद मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तान सेना में शामिल रहने के लिए मना कर दिया। इसके बाद भी जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का लालच दिया। वो एक वरिष्ठ मुस्लिम सैन्य अधिकारी थे, इसीलिए हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वह पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। मुसलमान होते हुए भी उनमें कोई धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं था। अपनी निष्पक्षता, ईमानदारी और न्यायप्रियता से उन्होंने अपने साथियों का दिल जीत लिया। मोहम्मद उस्मान के इस फैसले के बाद उन्हें डोगरा रेजिमेंट में शामिल कर दिया गया। भारत के बंटवारे के बाद मोहम्मद उस्मान कश्मीर से अपनी बटालियन के साथ जुड़ गए। कश्मीर में पाकिस्तानी सेना लगातार छुपकर सेना पर हमला बोल रही थी। पाकिस्तान सेना कश्मीर के झंगड़ पर कब्जा भी कर चुकी थी। तब ब्रिगेडियर ने झंगड़ को पाक सेना से मुक्त कराने की कसम खाई, जो उन्होंने अपनी बटालियन के साथ आगे बढ़ते हुए पूरा भी कर दिखाया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के इस शौर्य व साहस के चलते
उन्हें नौशेरा का शेर की उपाधि दी गई। इस युद्ध में मोहम्मद उस्मान के कुशल नेतृत्व के चलते पाक सेना को उन्होंने भारी झटका दिया। इस युद्ध में पाक सेना के 900 सैनिक मारे गए व भारत के केवल 50 जवान शहीद हुए। मोहम्मद उस्मान की ये बहादुरी पाकिस्तान को बुरी तरह लग गई और बौखलाहट के चलते उन्होंने उस्मान पर 50,000 का इनाम रख दिया। देश के लिए मोहम्मद उस्मान की इस वीरता व शौर्य के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 3 जुलाई 1948 को कैंप पर गिराए गए 25 पाउंड गोले से वीर सैनिक मोहम्मद उस्मान शहीद हो गए। वीर मोहम्मद उस्मान की अंतिम यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ लॉर्ड माउंटबेटन व अब्दुल कलाम आजाद समेत कई बड़ी हस्तियां सम्मिलित हुई।